सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। तो आप सब लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे यार। तो गाइज, मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ जापान में इंडियन रेस्टोरेंट में मेन्यू किस टाइप का होता है, यहाँ का आइटम क्या क्या होता है। खाना तो सेम वही है, लेकिन मेन्यू का स्टाइल कैसा है, कैसा मेन्यू है, क्या प्राइस है, वो सब चीज़ दिखाऊँगा आप लोग का, ठीक है। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे भाइयों का कॉमेंट्स आया है मेरा चैनल में, वीडियो में, कि भाई जापान में इंडियन रेस्टोरेंट का मेन्यू किस टाइप का होता है वो दिखाओ हम लोग को। तो मैं यार बहुत बिज़ी था आजकल, इसलिए इसमें बहुत बिज़ी था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो आज मैं सोचा आप लोग के लिए वो वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो ठीक है गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए, ओके। तो गाइस देखिए, मैं जो हूँ अभी इंडियन रेस्टोरेंट में जाने वाला हूँ, इंडियन रेस्टोरेंट जो है इसी में मैं जॉब करता हूँ, इसी रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। इससे पहले भी आप लोगों को दिखाया था मैंने बहुत सारी बार। तो मैं यार इंडियन रेस्टोरेंट का मेन्यू दिखाने के लिए दूसरा रेस्टोरेंट कहाँ पर जाऊँ मैं, इसलिए मैं सोचा चलो अपना रेस्टोरेंट का ही दिखा देता हूँ, ठीक है ना। एक ही लगभग एक ही जैसा रहता है, लगभग मेन्यू एक ही टाइप का होता है। ये देखो हमारा रेस्टोरेंट यहाँ पर है, ठीक है। इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत बार दिखा होगा रेस्टोरेंट। ये देखो हमारा रेस्टोरेंट का जो साइड का व्यू है, ये देखो ये सब व्यू है, आँखों में धूप आ रहा है भाई, ठीक है ना। ये गांव है, विलेज है, विलेज में है ये रेस्टोरेंट, उतना खूबसूरत भी नहीं है देखो, लेकिन विलेज है इसलिए चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो रेस्टोरेंट, हाँ इंडियन रेस्टोरेंट में, ये आप लोग को साइनबोर्ड भी दिखा देता हूँ। ये देखो इंडियन रेस्टोरेंट न्यू मुंबई, ठीक है। ये देखो इंडियन फ्लैग है। तो ठीक है गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहो, यहाँ पर मेन्यू दिख रहा है, मैं अंदर जाकर आप लोग को मेन्यू खुल के दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो मैं अंदर एंट्री हो रहा हूँ। अभी देखो क्रिसमस का ऑफर भी चल रहा है, ये सब देखो रेस्टोरेंट का टाइम टेबल लिखा है, ठीक है। मैं अंदर एंट्री होता हूँ, अभी तो ब्रेक टाइम है, मैं ब्रेक टाइम में आप लोग को दिखा सकता हूँ। ये देखो लाइट भी सब अंदर है, अभी बंद है। मैं आप लोगों को अभी प्यार से दिखाता हूँ जब इंडियन रेस्टोरेंट का मेन्यू किस टाइप का होता है, ठीक है। मैं थोड़ा लाइट चालू कर लेता हूँ। ये लाइट चालू कर दिया, अब देखो आप लोगों को मेन्यू दिखाऊंगा। ये रेस्टोरेंट का नज़ारा भी थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखो इस टाइप का है इंडियन रेस्टोरेंट। अभी क्रिसमस का डिजाइनिंग किया हुआ है, देखो सब सजाया, मेरी क्रिसमस का। तो अभी ब्रेक टाइम है, सब आराम कर रहे हैं स्टाफ लोग। ये मेन्यू वगैरह है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस ये देखिए लंच मेन्यू लिखा है, लंच मेन्यू। तो ये जो फ्रंट पेज में जो मेन्यू है, जो आइटम है, ये है स्पेशल आइटम में रखा है। ऐसा तो इंडिया में तो ये नॉर्मल आइटम है, जापान के लिए स्पेशल में रखा है। ये देखिए रखा है क्या है, स्टार्टिंग में दिखाया कीमा पालक, ठीक है। और ये देखिए चिकन हंडी दूसरा नंबर पे, और मटन हंडी का भी सेम एक ही फ़ोटो में रखा है। और देखिए तीसरा नंबर पे जो है चिकन जलफ्रेजी, फिर देखिए चिकन कढ़ाई, फिर ये देखिए तंदूरी चिकन मसाला, और ये फ़िश मसाला, नहीं सॉरी फ़िश पालक, ये जो है ये फ़िश पालक, ठीक है। मैं थोड़ा प्यार से दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये जो है देखिए चिकन मसाला, एग मसाला, ए बी मसाला और शी फूड मसाला, ठीक है। तो इसका प्राइस तो आपको बोलने का क्या ज़रूरत है, आपको सिर्फ मेन्यू दिखाने से मतलब है किस टाइप का होता है। ये स्पेशल मेन्यू में रखा है, ठीक है। और जो है और जो जो जापान में नॉर्मल टाइप का जो चलता है, जो रेगुलर चलता है, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए एक ए सेट, इसमें दो करी रखा है, एक कीमा करी और एक टुडे स्पेशल, जो रोज़ का एक स्पेशल करी होता है वो रखा है, ठीक है। फिर जो ये देखिए बी सेट, ये बी सेट क्या है, इसमें यहाँ से चॉइस करना है दो करी, ठीक है। चिकन करी है, बटर चिकन है, कीमा करी, दाल करी, वेजिटेबल करी, टुडे करी, मटन करी, मशरूम पालक, ये सब है बी सेट में, इसमें चॉइस कर सकते हैं आप दो करी, ठीक है। और ये देखिए सी सेट में चीज़ नान है और करी है एक, डी सेट में जो है स्पैगेटी और कीमा करी सॉस, और ई सेट देखिए एक फ्राइड राइस है। फ्राइड राइस तो इंडिया में व्हाइट कलर का होता है, यहाँ पर जो येलो राइस है उसी राइस को चिकन या सी फूड से फ्राइड राइस बनाता है, ठीक है। और ये हो गया एक एफ सेट, एक सिंगल करी सेट।
तो इस टाइप का होता है जापान में ज़्यादा करके, ये सेट सेट मेन्यू होता है, ये लंच मेन्यू है गाइस, ठीक है। और दूसरा जो मेन्यू है देखिए, ये सिंगल सेट है, सिंगल सेट का है ये, ज़्यादा सिंगल सेट। ये देखो चिकन करी, बटर चिकन, फिर आपका हो गया कीमा करी, फिर हो गया ये टुडे स्पेशल है। टुडे स्पेशल आप कुछ भी दे सकते हो, जो आपका मर्जी है, चिकन का साथ में कोई भी एक आइटम को बना के दे सकते हो। और ये दाल फ्राई है, जो दाल करी बोलते हैं जापान में, और ये वेजिटेबल करी, देखो प्राइस भी लिखा हुआ है। और ये मिक्स मटन, मतलब मिक्स वेजिटेबल के साथ मटन डाल के, फिर मिक्स चिकन, मिक्स वेजिटेबल के साथ चिकन डाल के, और ये है कीमा एग, कीमा का साथ में एग डाल के दो, और ये मटन करी, ठीक है, ये शी फूड, ये एबी करी, ये शाक चिकन, शाक मटन, ये हो गया पालक पनीर, मशरूम पालक, और ये फिश पालक, सॉरी ये फिश करी, ये देखो एग करी, ये स्पाइसी मटन, ये मटन लबाबदा, ये देखो चिकन लबाबदा। इस टाइप का होता है इंडियन रेस्टोरेंट का मेन्यू जापान में, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा सेट होता है, दो करी सेट, तीन करी सेट ऐसा होता है, एक सेट थाली में बना के छोटा छोटा बाटी में डाल के। साथ में देखो भाई सलाद भी है, सलाद जाता है, फिर लस्सी देखो जाता है, ये देखो मांगो लस्सी, मैंगो लस्सी, ठीक है, इस टाइप का होता है। तो ये हो गया लंच मेन्यू, ठीक है, ये आप लोगों को मेन्यू दिखा दिया। और ये देखो ये है ऑल टाइम कारे नान राइस थावे उदय सेट, मतलब थावे उदय का मतलब हो गया आप अनलिमिटेड आप खा सकते हो। ये तीन कारी है, इसमें एक बटर चिकन, एक वेजिटेबल और एक टू डे स्पेशल, और सलाड नान राइस सब खा सकते हो अनलिमिटेड। ये प्राइस में देखो 1380 में, ठीक है। तो ये हो गया लंच मेन्यू। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ग्रैंड मेन्यू। ये देखो ग्रैंड मेन्यू, ठीक है, ये सेम आइटम है जो स्पेशल करी। ये देखो एवरीडे ऑल टाइम स्पेशल करी, ये ग्रैंड मेन्यू में भी है, ये डिनर में भी खा सकते हो, लंच में भी खा सकते हो, उसमें भी है। ये देखो लंच मेन्यू में भी दिखाया, ठीक है ना। तो ये देखो इसमें क्या, देखो सलाद में देखो क्या क्या है, सलाद में दिखाता हूँ आपको। ये देखो मिनी सलाद, इधर का जापान का सलाद ज़्यादा करके जो है आपका कैबेज, गाजर, ये सब एकदम जुलियन काट के देता है, ठीक है। और ये देखिए बड़ा ग्रीन सलाद, इसमें टोमेटो भी दिया हुआ है, और खीरी खीरा खीरा भी दिया हुआ है, जो कुकुम्बर होता है, और जो इनसाइड में जो है वही पत्ता गोभी का, ठीक है, कैबेज का। और ये टोस्ट सलाद है, ये टोस्ट सलाद देख लो किस टाइप का, इस टाइप का है। और ये राशियन सलाद, इंडिया में तो राशियन सलाद है पता है आप लोग को, ये है। और ये मूली का सलाद है, ये देखो एक सलाद है, ये क्या, वो सलाद का ऊपर से एक से एक जो है माइनस में डाल के मिला के डाल दो, ऊपर से ये एक सलाद हो गया। और ये हो गया चूना सलाद, चूना सलाद का मतलब है जो फिश है ना, टूना फिश, आप लोगों को पता होगा ना, फिर टूना फिश का एक कैन में आता है, वो ऊपर से सलाद का ऊपर डाल दो और ये हो जाता है चूना सलाद। और ये देखो चिकन सलाद, ये हमारा चिकन टिक्का है, उसी को बारीक बारीक काट के चिकन सलाद का ऊपर डाल के सॉस दे दो, बस हो जाता है चिकन सलाद। और ये टोमेटो स्लाइस देखो, और ये है देखो चिकन का एक फ्राई होता है, जो यहाँ पर जापान में नान कुत्सु बोलता है, चिकन का हड्डी का एक फ्राई है, वो फ्राई करके सलाद का ऊपर डाल के नान कुत्सु सलादा, ठीक है। और ये सूप देखो भाई, सूप तो आप लोगों को पता है, ये एक ऐसे टुडे सूप हो गया, और ये कॉर्न सूप, और ये हॉट एंड सोर सूप, और ये मंचो सूप, ये सब रखा है। इतना ज़्यादा मेन्यू होता नहीं है, कहीं कहीं इस रेस्टोरेंट में ज़्यादा मेन्यू है। अब देखा तो आप लोगों को थाली सेट, जो एक सेट में जो छोटा छोटा बाटी होके जो थाली सेट होता है ना, ये देखो कारी है, इसमें ऐसा 8-10 कारी रहेगा और ऐसा सेट रहेगा। जैसे कि एग्जांपल ये सेट बोल के बोलेगा कि ये देखो कुंभी थाली, कुंभी थाली बोल के फिर यहाँ से 2 कारी चॉइस करेगा, ठीक है ना। और ये देखो चिकन टिक्का थाली ये, और ये है मलाई टिक्का थाली, ठीक है। और ये है देखो प्रॉन टिक्का थाली, ये शीक कबाब थाली, तंदूरी चिकन थाली। इसका मतलब जो है ना, थाली का मतलब तो आपको पता ही है, ये जो जो भी सेट है इसमें 2 कारी चॉइस यहाँ से करेगा, करके इसमें बोलेगा कि मेरे को ये 2 कारी दो, और इसमें साथ में ये फिक्स्ड रहेगा, ठीक है ना। इस टाइप का, जैसे कि शीख कबाब, तंदूर चिकन, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, इसमें आइसक्रीम, ठीक है, इस टाइप का होता है। और ये हो गया सिंगल, जैसे आप लोग को लंच मेन्यू में दिखाया था सिंगल करी, वैसे ही है ना, ये चिकन करी, कीमा करी, ये डिनर का, ये डिनर मेन्यू, ठीक है, ग्रैंड मेन्यू।
एक्चुअली ये है, ये देखो ग्रैंड लिखा है लेकिन ये डिनर मेन्यू है, ठीक है। और सामने फ्रंट पेज में जो स्पेशल करी रखा है वो जो सिम दिखा है तो उसमें वही है, कढ़ाई हंडी वगैरह वो सब है, लेकिन ये सब ज़्यादा जाता नहीं यहाँ पर। यहाँ पर ज़्यादा करके जो है सिंपल करी जाता है, ये देखो सिंपल करी, ये सिंगल करी जो है सब ज़्यादा करके जाता है। और थाली सेट में तो दिखा है वही है, उतना कोई मगजमारी नहीं है यहाँ पर काम के। आप लोग इंडिया से अच्छे से काम सीख के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है भाई, ठीक है ना। और ये स्नैक्स आइटम देखो, स्नैक्स और साथ में जो है चाइनीज़ आइटम भी है थोड़ा बहुत। ये देखो चिकन मंचूरियन, ये क्या है, ये चिकन कोलीवाड़ा, ठीक है, फ्राई आइटम। और ये हो गया चिकन कालामिरी, ये स्किन फ्राई। और ये देखो ये है चिकन पकौड़ा, ये ए बी कोलीवाड़ा। ये सब आइटम फ्राई आइटम है, जो लोग मुंबई में काम करते हैं वो लोग तो भाई लोग को पता है ना, ठीक है। और ये चिकन फ्राई, ये देखो नान कुत्सु फ्राई, जो चिकन का हड्डी होता है, हड्डी का छोटा छोटा एक हड्डी होता है ना उसका फ्राई है ये हो। देखो चिकन चिल्ली, ये ए बी चिल्ली, ये चिकन फ्राई, चिकन का जो स्किन है उसका चिल्ली। और ये देखो सॉसेजी, सॉसेजी चिल्ली। और ये स्क्विड फ्राई, देखो स्क्विड का जो है ना रिंग होता है वो रिंग फ्राई। और ये देखो समोसा, एक पकौड़ा। और ये देखो सॉसेस फ्रेंच फ्राई, जो पोटैटो सॉसेस ना, ठीक है। और ये पोटैटो फ्राई। और ये जापान में एक जो है सोयाबीन का है, सोयाबीन बॉयल्ड होता है पापड़। और ये पालक सौते, ठीक है। और ये देखो तंदूर का आइटम, देखो तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, शीक कबाब, प्रॉन टिक्का, फिश टिक्का। और ये मिक्स ग्रिल तंदूरी चिकन का। तो गैज इस टाइप का होता है मेन्यू जापान का, ठीक है। और क्या है, और ये दो थम्पिन कारी है, वो जो कारी दिखाया आप लोग को वही है सेम। और ये सब वगैरह है, और तो ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स का तो आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। और ये देखो नान क्या है, प्लेन नान। ये देखो कौन सा नान है, ये जो है आपका चीज़ नान, ठीक है। हम इनसाइड में चीज़ स्टाफ होता है। और ये गार्लिक नान, ये कबली नान, ये मीठा होता है, कोकोनट वोकोनट से मीठा बना के देता है, ठीक है। और ये चॉकलेट नान, ये देखो तिल नान। और ये देखो पोटैटो नान, ये देखो वेजिटेबल नान। और ये चपाती, ठीक है। और ये है देखो हमारे देश का बिरयानी हो गया। और ये जापान का येलो राइस, जीरा राइस, सी फूड फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस। फ्राइड राइस तो व्हाइट होता है इंडिया में, लेकिन ये देखो कलरिंग हो गया, चिकन टिक्का काट के दे देते हैं। और ये देखो स्पैगेटी, कीमा करी सॉस, ये स्पैगेटी का ऊपर से कीमा करी डाल देने का, तो स्पैगेटी सॉस। और ये रायता, ठीक है, बस इस टाइप का। और ये देखो यहाँ पर इंडियन मैप है भाई इस मेन्यू में, इस टाइप का होता है मेन्यू भाई, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मेरा ये वीडियो में कमेंट करो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा और क्या क्या बताना है, ठीक है। ये देखो मेन्यू यहाँ पर रख दिया मैंने, ये रख दिया मेन्यू, ठीक है। ये आप लोगों को डिटेल में दिखा दिया। और बाकी सब ये देखो अभी क्रिसमस का मेन्यू लगाया है, देखो ये क्रिसमस का मेन्यू बराबर देख रहे हैं। ये देखो ये चिकन टिक्का सेट, तंदूरी चिकन और चिकन टिक्का का सेट, चिकन कोलीवाड़ा, चिकन फ्राई काला मिरी, ठीक है। ये क्रिसमस के लिए स्पेशल लगाया हुआ है भाई, तो इस टाइप का होता है। और ये देखो बच्चे लोग का भी सेट है यहाँ पर, देखो ये देखो बच्चे का ए सेट, बच्चे का बी सेट, बच्चे का सी सेट। तो ये सब आपको जब जापान में आप लोग आओगे तो ये सब पता चल जाएगा भाई, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को इंडियन रेस्टोरेंट में मेन्यू किस टाइप का तो वो चीज़ दिखाया भाई। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा भाई, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर इस चैनल में पहले बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को किस तरह का वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं फिर उस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो ठीक है गाइज, फिर रखते हैं फिर, ठीक है, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट अच्छा वीडियो के। तब तक के लिए अच्छा रहिए, खुश रहिए, मस्त होकर रहिए यार, ओके।